नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर बुलंदशहर से है, जहां पंचायत के सभागार में जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधी कार्यशाला के संबंध में एक प्रशिक्षण का आयोजन अभिषेक पांडे और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि ये प्रशिक्षण CRS और MCCD के संबंध में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान CDO ने CRSS के 100% क्रियान्वयन, जन्म मृत्यु और मृत जन्म के पंजीकरण पर जोर दिया और साथ में ये भी कहा कि शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु के पंजीकरण पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। जौनपुर के खुटहन ब्लॉक में पिलकिशा गांव के रहने वाले अरविंद निषाद ने ड्रीम 11 में 22.5 लाख रुपए जीत लिए, जिसके बाद अरविंद और परिवार के खुशियों का ठिकाना नहीं है। अरविंद पिछले कई महीनों से ड्रीम 11 गेम खेल रहे थे, जिसमें उसने 7,000 रुपए हारे थे, लेकिन आज उसने 22.5 लाख रुपए जीत लिए हैं। आपको बता दें कि GST कटने के बाद 16 लाख रुपए अकाउंट में आए हैं। अरविंद का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे में वो इन पैसों को अपने परिवार की जरूरतों में इस्तेमाल करेंगे। सर, ये घर के ऊपर खर्च करेंगे, परिवार के ऊपर। अच्छा, हम आपके घर पर आए हुए, आपकी माली हालत स्थिति सही नहीं है जी सर, सामान नहीं है, तो ऐसे में ये जो 22.5 लाख रुपए आप जीते हैं, तो उसको मतलब कहाँ, अपने भाइयों बहन पर खर्च करेंगे? हाँ सर, भाई बहन पर खर्च करेंगे। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार निषाद। जो ड्रीम 11 आप खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, मतलब अभी तक कितना पैसा आपने जीता और कितना लॉस हो गया है? सर, 7,000 रुपये लॉस गया है और 22.5 लाख जीता हूँ। 22.5 लाख रुपये आज आपको। खबर औरैया से है, जहां बकरीद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चौकन्ना हो गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक बराबर गश्त कर रहे हैं, जिसको लेकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है पैदल मार्च। और लोगों से बराबर अपील की जा रही है कि त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और किसी भी अफवाह में ना आए, शांति से मनाएं। पुलिस प्रशासन हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है, किसी प्रकार की अफवाह पे न जाए। रोज हम लोग, हमारा रूटीन का है ये गश्त है। इसके अलावा हम लोग जितने भी मिश्रित आबादी है, सबने हम लोग भ्रमण करके लोगों से उनका हाल चाल पूछ रहे हैं और कोई दिक्कत हो तो पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग शांति से मनाएँ। हमारा ये बहुत अजीम शान दिन, जिसको हम ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं, इस मौके पर हम अपनी जानिब से जो मालिक निसाब होते हैं, कुर्बानियाँ पेश करते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमामी मुसलमान भाइयों से कि इस ईद उल अज़हा के मौके पर अमन व शांति के साथ कुर्बानियाँ पेश करें और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि आप चौक चौराहे पर गंदगी फैला दें और जो उसके जानवर के जो फजलात निकलते हैं उसको रोड पर ना फेंकें, बल्कि सफाई सुथराई के ज़रिए कुर्बानी को अंजाम दें, ताकि हमारा जो मजहब इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है उस पर भी अमल हो जाए। खबर कन्नौज से है, जहां महादेवी घाट पहुंचे अधिकारियों ने गंगा स्नान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा और कांवरियों को लेकर किए जाएंगे सुरक्षा के विशेष इंतजाम। इसको लेकर DM राजेश कुमार मिश्रा और SP राजेश कुमार श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी नाव पर बैठ कर पहुंचे। देवबंद में ईद के त्यौहार को लेकर SDM अखिलेश सिंह और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने देवबंद का दौरा किया और नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की। DM अखिलेश सिंह और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जनपद के लोगों से अपील की है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कुर्बानी करें। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यह भी बताया कि कल के लिए पुलिस ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। कल सभी मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जिसके बाद एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले एक्सप्रेसवे पर हलचल तेज हो गई है।
पीएम मोदी द्वारा 16 जुलाई को उद्घाटन का कार्यक्रम जालौन में प्रस्तावित होना है, जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आज जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। उनके साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे, डीएम जालौन चांदनी सिंह और एसपी रवि कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां बड़ा थाना पुलिस ने नकली मूर्ति के अष्ट धातु की बताकर धोखाधड़ी से ठगी करने वाले तीन शातिर राजन, सुरेंद्र उर्फ मोनू और बबलू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति और नकदी बरामद की है। पूरे देश में रविवार को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज के द्वारा बकरा, भैंस, दुम्बा पर कुर्बानी की जाती है। इसको लेकर ताज नगरी के हींग की मंडी क्षेत्र में बकरा मंडी सज कर तैयार हो गई है। हर साल यहां पर बकरा मंडी लगाई जाती है। आगरा के लोग मंडी में आकर बकरों की खरीदारी करते हैं और ईद से अगले 3 दिन तक यहां पर कुर्बानी का सिलसिला चलता है। वहीं इस बार भी ईद उल अजहा को लेकर बकरा मंडी में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग बकरों की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर शहर को हरा भरा बनाने के लिए अब महिलाएं भी वृक्षारोपण की मुहिम में जुट गई हैं। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं के नारे के संकल्प के साथ यूनिट संस्था की महिलाएं अब अधिकारी की घरों में वृक्षारोपण कर रही हैं। इस मुहिम में अधिकारियों की पत्नी को भी जोड़ा गया है। इसी के चलते यूनिट संस्था ने आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद के आवास पहुंचकर डॉक्टर संगीता मोहन के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक की पत्नी श्रीमती देवी आनंद को चीफ गेस्ट बताते हुए फलदार और जड़ी बूटियां वाले पौधों का वृक्षारोपण कर मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण की ये नई पहल करने वाली महिलाओं का कहना है कि दिन प्रतिदिन पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। ऐसे में हम यूनिट संस्था की महिलाएं शक्ति वन घर स्थापना करेंगी। कभी जमीन दिलाने के नाम पर तो कभी विदेश भेजने के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं और ऐसे मामले लगातार होते जा रहे हैं, जिसे लोग एक दूसरे पर भरोसा करना ही बंद कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला देवरिया जनपद के विधानसभा क्षेत्र के भालीचौर गांव से है, जहां भालीचौर गांव के रहने वाले अजय कुमार निषाद को उत्तम चंद्र निषाद ने जमीन दिलाने के नाम पर 50,000 की ठगी की। अजय कुमार निषाद ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उत्तम चंद निषाद, जो चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शतुधनपुर गाँव का निवासी है, उसने मुझे जमीन दिलाने का लालच देकर 50,000 का चेक ले लिया। अब अजय कुमार निषाद लगातार अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन उत्तम चंद निषाद डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अजय कुमार निषाद को उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। वहीं सहारनपुर में हुई बारिश से कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हुई बारिश से सहारनपुर के सब्जी मंडी के अंदर पानी भरने के कारण बुरा हाल हो गया। सब्जी मंडी के अलावा भी शहर में कई वार्डों में पानी भरने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। शहर में कई जगह हुए जल भराव ने नगर निगम के कार्यों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई आज बारिश ने नगर निगम की नाला सफाई की पोल भी खोल दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वें स्थापना दिवस को राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हुए चक्राता रोड स्थित कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी की आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में EVBP के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, RSS के विभाग संचालक राजेश वीर सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनकर मलिक ने संबोधित किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन मोहित शर्मा ने किया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की और भी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।